और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना क्षेत्र के इकोना पयापुर मार्ग के मदारा के पास से सामने आई, जहां पर बाइक सवार की बाइक अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, जिसके बाद दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने दोनों को पहुंचाया इकोना अस्पताल। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक बताते हुए तत्काल बहराइच के लिए किया रिफर। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना पयापुर मार्ग के मदारा के पास से है, जहां पर बीती देर शाम बाइक अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। बताया जा रहा है इस हादसे में 30 वर्षीय मनीष कुमार पुत्र गंगोत्री प्रसाद निवासी गणेशपुर इकोना व 42 वर्षीय गुड्डू पुत्र दुखहरन गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद दोनों को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने बहराइच के लिए रेफर कर दिया। ये लोग पयापुर थाना क्षेत्र के सेमरियामा गए हुए थे, वहीं से वापस घर जाते समय मदारा के पास बाइक अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई और इस हादसे में दोनों घायल हुए, जिसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई गई। इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया, हालत बेहद गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच की रिफर श्रावस्ती जनपद के इकोना पयापुर मार्ग के मदारा के पास की यह घटना, जहां पर यह सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में दो लोग घायल हुए, जिसमें एक की हालत बेहद नाजुक बताई गई। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल बहराइच के लिए रेफर किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार सड़क हादसे होते हैं, जिसके बाद सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है और यहां पर समुचित व्यवस्थाएं न होने के कारण अधिकांश लोगों को बहराइच या खिंडा रेफर किया जाता है। इमरजेंसी सेवा चलती रहती है, लेकिन कई लोग गंभीर घायल होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, जिसकी व्यवस्था रात में न होने के कारण तथा हड्डी विभाग के डॉक्टरों के न होने वजह से यहाँ से लगातार लोगों को रेफर किया जाता है। ऐसा ही मामला बीती रात एक बार फिर से सामने आया, जहाँ पर सड़क हादसे में दो लोग घायल होकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे।